वाणी में द रॉयल शिव संस्कृति द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अवसर पर महावादन व महाआरती का आयोजन किया गया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र संस्थान देश के लिए गर्व की बात है। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में मदद करने की पहल कर गजानन सोसाइटी में रॉयल शिव सांस्कृतिक फाउंडेशन द्वारा दत्तवाड़ी में महावादन का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राम जन्मभूमि के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान व महावादन महाआरती की गई। वाड़ी क्षेत्र के 5 ढोल ताशा मंडली को एकजुट कर महावादन और महाआरती की गई। महावादन आकर्षण का केंद्र रहा, दर्शकों ने भी सराहना की। विश्व हिंदू परिषद नागपुर महानगर के लोगों से प्रभु श्री रामचंद्र के मंदिर निर्माण के लिए घर घर संपर्क के लिए आह्वान किया। राम जन्मभूमि मंच पर मौजूद संतों और मंडलों ने अपने व्याख्यान दिए। महावादन और महाआरती के लिए हम 5 मराठी ढोलताशा पथक, राजमुद्रा ढोलताशा पथक, शिवशाही ढोलताशा पथक, भगवा ढोलताशा पथक और एकांत ढोलताशा पथक ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में गुरुकुल आश्रम के परम पूज्य भगीरथ महाराज, महानगर विश्व हिंदू परिषद मंत्री प्रशांत तित्रे, वाड़ी नगर संघ चालक सुरेश पांसी, उमरेड जिला संघ चालक दीपक दुधाने, विहिप उपाध्यक्ष अमित बेम्बी, डॉक्टर करण माने, बजरंग दल नागपुर शहर के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के संयोजक विशाल पुंज, विश्वजीत राजे, विहिप जिला अध्यक्ष कैलाश शर्मा, धर्म प्रसारक प्रमुख नागपुर महानगर भैयाजी चौबे ने तो कार्यक्रम का मुख्य आयोजन रॉयल शिव संस्कृति फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष ओंकार तलमले ने किया था। इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में कोरोना को सम्मानित किया गया। कोरोना अवधि के दौरान जनता की सेवा की। इनमें नागपुर तालुका पत्रकार संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाड़ी नगर, पत्रकार सौरभ पाटिल, युवक कांग्रेस हिंगना विधानसभा अध्यक्ष अश्विन बैस, शिव वाहतुक सेना राकेश अग्रवाल को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम स्वरूप चौहान द्वारा संचालित किया गया। दिनांक 1 तारखेपासून घरोघरी गृह संपर्क आणि घरोघरापासून आपण जे निधी एकत्रित करतोय राम जन्मभूमी अयोध्या करता, किंवा एवढा मोठा संघर्ष झाला राम जन्मभूमी करता, त्या माध्यमातून आपण कारसेवकांची मेहनत होती ती सगळी आता एक खूप सुंदर पद्धतीने उत्कृष्ट पद्धतीने आपल्या समोर आलेली आहे कोर्टाच्या निर्णयाला त्या पद्धतीने। तर त्यासाठी एक कुठेतरी सगळ्यांचं जे कर्तव्य होतं ते पार पडतंय, त्याच माध्यमातून त्याच कारणाने आपण तो कार्यक्रम घेतोय जेणेकरून तरी लोक उत्साहित व्हावे। आणि आपण जसं बघितलं की आपल्या इतिहासाच्या पुस्तकामध्ये महापुरुषांचा इतिहास खूप कमी आहे, त्याचबरोबर प्रभू रामचंद्र हे देवांमध्ये येतात पण महापुरुषामध्ये पण येतात। बीसीएन न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।